नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Alcatel 3T10 2020 वर्सेस Moto Tab G20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Alcatel 3T10 में 9.58 इंच जबकि Moto Tab G20 में 7.84 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Alcatel 3T10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Alcatel 3T10 में 6.35 इंच जबकि Moto Tab G20 में 4.8 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Alcatel 3T10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Alcatel 3T10 में 0.37 इंच जबकि Moto Tab G20 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Alcatel 3T10 में 475 ग्राम्स जबकि Moto Tab G20 में 305 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Alcatel 3T10 में 10.1 इंचेस जबकि Moto Tab G20 में 8.0 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों टैब में सेम ही 800x1280 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Alcatel 3T10 में 75.68% जबकि Moto Tab G20 में 76.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Alcatel 3T10 में 149 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto Tab G20 में 189 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Alcatel 3T10 में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और Moto Tab G20 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Alcatel 3T10 में दो डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto Tab G20 की बात करें तो उसमें तीन डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Alcatel 3T10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Moto Tab G20 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Alcatel 3T10 में पावर GE8300 जबकि Moto Tab G20 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Alcatel 3T10 में MediaTek और Moto Tab G20 में MediaTek Helio P22T मिलता है। बात करें RAM की तो Alcatel 3T10 में 2GB जबकि Moto Tab G20 में 3GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों टैब में सेम ही 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Alcatel 3T10 में अप टू 256GB जबकि Moto Tab G20 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Alcatel 3T10 में Android V10 Q जबकि Moto Tab G20 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Alcatel 3T10 में 5500 mAh जबकि Moto Tab G20 में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही एक कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Alcatel 3T10 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 13,199 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Moto Tab G20 की तो वो 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Alcatel 3T10 2020 में दो फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto Tab G20 की तो उसमें तीन फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है,
मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें एसर 184 है, दूसरा लावा ऑरा है, तीसरा नोकिया T20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें रियलमी पैरल्ट है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।